Okay, now on page number 71, you have to write CW, then students 25 and 22. Okay? Sabne open kiya page number 71 in textbook. Yes, Mohli, aapka bhi presence le liya hai maine. Okay, now see. Page number 71, question. First one is question. Yes, it means Tirtha. Tirtha, aapka bhi ho gaya hai beta. Last mein jo bhi abhi join hue Tirtha, Mohli and Hita. Ab tino ka ho gaya hai, okay? Now, first one is question. Okay? Dekho. It means multiple MCQ. Number one is seek the correct answer. First one is which animal lives in water? Which animal lives in water? Aapke paas four options hai. Number one, zebra, giraffe, डॉल्फिन एंड रेबिट. ओके, तो आपको देखो एग्जाम में भी कल जो भी पेपर चेक करके गए ना, बहुत सारा ने यही गलती किया था. देखो यहाँ पे जैसे आपका यहाँ पे फोर ऑप्शन है, ठीक है, जो भी ऑप्शन है आपको अगर ये करेक्ट आंसर जो है उसके सामने जो बॉक्स है वहाँ पे टिक करना है. ये दो तीन बजे ने ये गलती की थी कि जैसे मैंने क्वेश्चन डाला है, चार ऑप्शन आपको दिया जाता है, जो बॉक्स आपको अगर लगता है जेब्रा करेक्ट आंसर है तो आपको कहाँ पे टिक करना है, यहाँ पे टिक करना है, ठीक है ना. आपने वो ही मिस्टेक किया था एग्जाम में, ठीक है. आपको जो करेक्ट आंसर लगता है उसके बाजू में, उसके साइड में जो बॉक्सेस है वहां पे टिक करना है, ना कि उसके पीछे वाले में, है ना. तो आपको अच्छे से देख के बॉक्सेस कहाँ पे है, किसके लिए, ए के लिए कौन सा बॉक्स है, बी के लिए कौन सा बॉक्स है, वो आपको देख के अच्छे से टिक मार्क करना है. ओके, चलो. नाउ व्हाट इज द आंसर, व्हिच एनिमल लिव्स इन वाटर. Which animal lives in water? Zebra, giraffe, dolphin and rabbit. Which is the right answer? इनमें से कौन सा एनिमल है जो वाटर में रहता है? Zebra, dolphin, giraffe and rabbit. कौन सा होता है? Correct answer is dolphin. So you have to tick in option number C. Yes. डॉल्फिन. तो यू हैव टू टिक इन ऑप्शन नंबर सी. ओके, कहाँ पे टिक करना है आपको? देखो ये नंबर वन में कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, डॉल्फिन. डॉल्फिन में आपको टिक करना है. ओके, देन नंबर टू, Who makes web? Second question क्या है? Who makes web? Web कौन बनाता है? Honey bee, spider, snake और bird. Honey bee कौन बनाता है? Web? Yes, it's spider. Honey bee है, उसका जो house है वो होता है hive, है ना? Snake है, snake lives both on land and water also. देन बर्ड कहाँ रहती है? नेस्ट में. और वेब कौन बनाता है? स्पाइडर. तो यू हैव टू टिक ऑन द ऑप्शन नंबर बी, स्पाइडर. ऑप्शन नंबर टू में ऑप्शन नंबर बी स्पाइडर, एस वी आई बी ई आर, स्पाइडर में यू हैव टू टिक. ओके, ऑप्शन नंबर बी स्पाइडर. डन, चलो. देन क्वेश्चन में नंबर बी, ये था एमसीक्यू, उसके बाद में बी में आना है मैचिंग. देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, मैचिंग करना है. ओके, दर्शन
मैचिंग करना है. ओके चलो ना देखो हियर वी हैव कलम
write down everyone. You have to complete your work, okay? तो हमें यहाँ पे ऐसे लाइन खींच के लाइन ड्रॉ करके मैचिंग नहीं करना है. मैंने आपको पहले भी जो लास्ट चैप्टर था हमने उसमें हम सिखाया था कि हमको यहाँ पे 1 to 5 है और A to E है. तो हमको 1 to 5 के साथ A to E को मैचिंग करना है. ओके, कर लिया तुमने. देखो यहाँ पे बुक में, बुक की साइड में यहाँ पे जगह है, यहाँ पे आपको ऐसे आंसर लिख के फिर साइड में कैसा आंसर लिखना है. ओके, नाउ turn your page. Turn your page. Page number 72. Page number 72. Okay. Now, writing jump. Page number 72 is writing jump. Number A is writing jump. Number A. Question answer is, what is the first question? Answer the following question. Number 1 is, where do wild animals live? Where do wild animals live? एंसर लिखने से पहले आपको सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करना पड़ेगा. ओके, एंसर लिखने से पहले आपको क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना पड़ेगा. आप अच्छे से क्वेश्चन रीड नहीं करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन क्या है. अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो कैसे पता चलेगा कि इसका आंसर क्या होगा, है ना. एंसर आपको पता होता है बट प्रॉब्लम ये होती है आप अच्छे से क्वेश्चन ही रीड नहीं करते. ओके, नाउ where do wild animals live? Wild animals कहाँ पे रहते हैं? Wild animals live in the forest. Now see, question के बाजू में यहाँ पे आपको answer लिखने के लिए space दिया है, वहाँ पे आपको लिखना है. Okay? ये question है, यहाँ पे आपको answer लिखना है. Okay? Now, I have to number one. Answer number one. Where do the wild animals live? Wild animals. Wild animals live in the jungle. Answer number one. Wild animals live in the forest. Okay? Wild animals live in the forest. Then, answer number 2. अगर आपको finish नहीं होता है, no, don't need to worry. I am keep the picture and send it into the group. Okay? Second one is, where does a cow live? Where does a cow live? What is the name of the house of a cow? Cow कहाँ पे रहता है? Cow lives in a cow shed. कहाँ पे रहता है? Cow lives in a cow shed. So what will you write? A cow number 2. A cow lives. Cow lives in a cow shed. What is the spelling of cow name? Cow and sheep. C-O-W-C-S-E-D. Okay? Now, question answer number 3. Answer number 3. Who gives us milk? Which animal gives us milk? ये तो सबको पता होगा ना, ये पहले कर चुके हैं दो चैप्टर्स में. Which animal gives us milk? कौन कौन से एनिमल्स है जो हमें मिल्क देता है? कौन देता है रास्ता? Which animal gives us milk? मिल्क कौन सा एनिमल देता है? काउ. कौन?
और कौन सा एनिमल? विच एनिमल गिव्स अस मिल्क? एनीबॉडी? अपन योर चैट बॉक्स एंड राइट डाउन द आंसर. काउ. वेरी गुड. देन एनी अदर एनिमल हु गिव्स अस मिल्क? शीप? नो शीप. शीप डू नॉट गिव अस मिल्क. और सिन? शीप गिव अस वूल. ओके. विच एनिमल गिव्स अस मिल्क? काउ एंड buffalo. Yes, cow, goat and buffalo, these three are gives us milk. Cow, goat and buffalo. Okay, so what we have to write here? Cow, goat and buffalo. And buffalo. Buffalo gives us milk. Gives us milk. Okay? Cow, goat, and buffalo gives us milk. Okay? Sure. Write down the answer. Question number 1, 2 and 3. Write down the answer. Third one is lion, fourth one is aquarium. Okay.
Okay. Done. Okay. Now these are your CW. ये आपका CW है. होमवर्क क्या है मैं आपको बताती हूँ. सी फॉर्म जर्म, ये हमारा राइटिंग जर्म हो गया. पेज नंबर 72 में ये जो फॉर्म जर्म लिखा है, सी दिस इज फॉर्म जर्म, ये आपको खुद से करना है. क्या लिखा है देखो, डेंटिस्ट लीव द केट व्हाट द रेट. दिस इज यू हैव, हियर इज ए पिक्चर, हियर इज ए केट एंड हियर इज ए रेट एंड हियर द वे द केट हैव टू फाइंड आउट द रेट. ओके, नाउ आपको ये केट को वे दिखानी है रेट के पास जाने के लिए. ये आपका पिक्चर है, ये वाला हमने एक्टिविटी पहले भी कर चुके हैं, तो आपको यहाँ पे देखना है ये जो केट है किस रास्ते से बिल्ली के पास
Thank you.